मेरे क्लाइंट की तरफ देखें, देखें और बताएं कि इसकी शक्ल देख के आपके दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आता है। बाकायदा लानत पड़ी हुई है। सॉरी। अच्छा तो दोस्तों, 2 महीने पहले एक वाक्या पेश आया था जिसमें ये मशहूर भी हो गए, खुद भेगरत भी साबित हो गई, और इसी तरह इनकी कुछ नई भेगरतियाँ और रिकॉर्डिंग सामने आई हैं जिसमें बाजी पैसे मांगने होती हैं। पैसा ही पैसा हो गया। मस्त प्लान है। मुजरम 6 है, 7 है, 6 फी मुजरम को अंदाजन कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन, क्योंकि ज्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना होगा? मुश्किल से उन्होंने 5-5 लाख करना। मैं रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बस एक ही बात सोचा था, भाई इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? भाई पहले 14 अगस्त पे जाके इतना सब कुछ हल्ला गुल्ला करा, हल्ला गुल्ला करके इनके पास थी सिर्फ 2 चॉइस, एक के मासूम बन के फ्रेम लूटना, भाई लोगों से, भाई मेरे साथ ये हुआ, मासूम बन के सबसे फ्रेम लूटी जैसे इसने, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मुतमइन भेगरत होकर वापसी अपनी टिकटॉक बनाती रहती जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जब अब इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सामने आई तो भाई आयशा अकरम ने एक और नया ड्रामा रच दिया भाई। सारा का सारा इल्ज़ाम रेम्बो पे डाल दिया, बोले 14 अगस्त पे मुझे ये लेके गया था, सब प्लानिंग ये रेम्बो की। मुझे तो हंसी रेम्बो पे आ रही है, बेचारे ने सोचा क्या था और उसके साथ हो क्या गया। वैसे रेम्बो को जेल में बंद कराने से पहले इन दोनों की शायद कोई लड़ाई वगैरह हुई थी, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह आई थी तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। रुको जरा, सबर करो। तो यार चलो अब हम इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो खत्म। अगर चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो यार बस सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर अगर सब्सक्राइब भी कर दोगे तो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए you know the rules, and so do I. Say goodbye.